साथियों नमस्कार, पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग स्व राशि में ग्रहों के फल के बारे में चर्चा करते हैं कि कोई भी कुंडली जब हम देखते हैं, उसका अध्ययन करने जब बैठते हैं, उसका फलादेश करने जब बैठते हैं, तो उस समय हमें स्व राशि में कौन से ग्रह अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, इसकी जानकारी कर लेनी बहुत आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं, देर न करते अपने विषय पर चलते हैं। यदि स्व क्षेत्र में या स्वगृही हो, यानी अपने ही घर में यदि कोई राशि बैठा हुआ हो, तो उसके क्या फल होते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है तथा इस चार्ट में भी मैं दर्शा दिया हूँ कौन से ग्रह के अपनी राशि कहलाती है, कौन अपने घर में बैठे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा भी करेंगे और साथ में साथ इस चार्ट के अनुसार चार्ट के माध्यम से उदाहरण के साथ समझेंगे भी। तो आज हम लोग देखते हैं सूर्य का पांचवा घर जो होता है वह है, यानी सूर्य जो होते हैं वह है सिंह राशि के स्वामी कहे गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पांचवा घर में पांच नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी भी सूर्य होते हैं, वैसे भी आप समझ सकते हैं। दूसरे तरीका है कि सिंह राशि जो होता है सूर्य का अपना घर कहा गया है, कर्क राशि जो है वह चंद्रमा का अपना घर कहा जाता है। उसी प्रकार तीन और छह नंबर की राशि जो है, यानी मिथुन और कन्या, ये राशि जो है बुध के अपने घर कहे गए हैं। गुरु के नौ और बारह यानी धनु और मीन राशि अपने घर बताए गए हैं। शुक्र जो हैं उनके वृष और तुला राशि अपना घर कहा गया है। शनि के दस और ग्यारह यानी कुंभ और मीन, ये राशि अपने कहे गए हैं। इस प्रकार हम लोग ये समझ रहे हैं कि स्व राशि कौन कौन से होते हैं, यानी हर प्रत्येक ग्रह के कौन कौन से राशि अपनी होती है, जिसे स्वगृही कहा जाता है, स्वक्षेत्री कहा जाता है। यही बात स्वगृही का अर्थ भी होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो है स्वगृही यदि हो, सूर्य यदि अपने ही राशि में बैठे हुए हो, तो उसके क्या फल होंगे। तो ऐसे जातक को सूर्य जो है सुंदर बना देते हैं, कामी तथा ऐश्वर्यवान बना देते हैं। चंद्रमा यदि अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, स्वगृही हो, तो वह व्यक्ति तेजस्वी, रूपवान, धनवान तथा भाग्यवान हो जाता है। मंगल यदि अपने ही घर में बैठे हुए हो, यानी एक और आठ नंबर की राशि में बैठे हुए हो, तो व्यक्ति बलवान हो जाता है, ख्याति प्राप्त, कृषक और जमींदार प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। बुध यदि अपने ही राशि में बैठे हुए हो, तो वह विद्वान बनाते हैं, शास्त्रज्ञ बन जाता है जातक, लेखक और एवं संपादक बनता है। यदि गुरु अपने ही राशि में बैठे हुए हो, यानी धनु और मीन राशि में बैठे हुए हो, तो जातक को काव्य रसिक बनाते हैं तथा वह शास्त्रज्ञ हो जाता है, ऐसा बताया जाता है, एवं वैद्य भी बनता है, यानी डॉक्टर का कार्य भी करता है जो आयुर्वेदिक वगैरह से करते हैं। शुक्र यदि अपने ही राशि में बैठे हुए हो, तो जातक को स्वतंत्र प्रवृत्ति के बना दिया देते हैं, धनी होता है तथा विचारक भी होता है। उसी प्रकार शनि यदि अपने राशि में स्वक्षेत्री हो, स्वगृही हो, तो पराक्रमी जातक होता है, कष्ट सहिष्णु होता है तथा उग्र प्रवृत्ति का होता है, ऐसा हमें बताना चाहिए। राहु और केतु यदि अपने घर में बैठे हुए हैं, उनका तो कोई स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है, उन्हें अपने घर तो है ही नहीं, इसलिए को छाया ग्रह कहे गए हैं, फिर भी वो व्यक्ति को सुंदर, यशस्वी एवं भगवान बनाते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए और ऐसा बताना चाहिए। यदि वो सही ग्रह घर जगह पर बैठे हुए हों, उनके कोई बुरा प्रभाव न पड़ता हो, वैसी स्थिति में वह सुंदर यशस्वी बना देते हैं। साथियों एक बात और ध्यान देने योग्य है कि एक स्वगृही हो और जातक अपनी जाति में श्रेष्ठ हो, होकर के दो स्वगृही हो, तो कर्तव्यशील, धनवान, पूज्य बनाता है। यदि तीन स्वगृही हो ग्रह, तो
राजमंत्री, धनी, विद्वान बनाता है। चार ग्रह यदि स्वगृही हो वैसी स्थिति में कुंडली में देख लें कि यदि चार ग्रह स्वगृही हो रहे हैं तो वह श्रीमंत, सामान्य, सरदार एवं नेता बनाते हैं। पांच ग्रह यदि स्वगृही हो कुंडली में तो वह राज्य तुल, राज्याधिकारी होता है, ऐसा भी हमें समझना चाहिए। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।